हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए काइट इज एग्जैक्टली अबोव वन एंड ऑफ द ब्रिज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द काइट इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द काइट अबोव द ब्रिज इज 30 √30 × √3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। चार ऑप्शन हमें गिवन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमारा क्या होगा। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ब्रिज चाहिए, ब्रिज की लेंथ हमारी कितनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक काइट इज एग्जैक्टली अबोव वन एंड ऑफ द ब्रिज, ये हमारा ब्रिज है, दूसरे एंड पर यहाँ पर हमारी काइट हो रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। दिस एंगल इज 30। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इफ द हाइट ऑफ द काइट अबोव द ब्रिज, ब्रिज से जो ऊपर काइट की जो हाइट है वो कितनी है, 30 √3 मीटर। हमें क्या चाहिए, ब्रिज की लेंथ, इसको हम ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ये हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, और ए बी हमारा क्या, एक्स के इक्वल। सो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 √3, बी सी हमारा क्या है 30 √3, ए बी क्या है एक्स, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू √3 × √3 आ जाएगा, 3 × 30 90 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 90 मीटर के इक्वल। ऑप्शन और एक्स हमें चाहिए था ब्रिज की लेंथ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।